जनरल इंग्लिश का टॉपिक देखते हैं हम, आर्टिकल्स। देखिए, ये जो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर क्वालिटी क्लियरनेस नहीं आ रही है, तो आप जो राइट हैंड साइड में जो यूट्यूब पे जाके वहाँ से क्वालिटी 480p पे करके देखें, वहाँ से अच्छी क्लियरिटी आ रही है। आर्टिकल्स इंग्लिश का टॉपिक है। आर्टिकल्स होते कौन कौन से, ए एन था। अब देखते हैं, लुक एट दिस सेंटेंसेस। दिस इज ए बुक। ए, द अर्थ इज राउंड, दैट इज एन ऑरेंज, हेयर इज द इंक आई वॉन्ट। ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटर्मिनेंट के अंदर रखा गया। आर्टिकल्स आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स दैट आर यूज बिफोर नाउंस। ठीक है, आर्टिकल्स के अलावा कुछ अन्य मुख्य डिटर्मिनर्स हैं, जैसे माई, योर, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी इत्यादि। आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं। आर्टिकल्स को दो आर्टिकल्स में बांटा गया है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द और इनडेफिनेट एन। लुक एट दिस सेंटेंसेस। दिस इज ए बॉय, इनडेफिनेट। इट इज एन एग, इनडेफिनेट। दैट इज द पेन आई वॉन्ट, डेफिनेट, क्योंकि इसमें द लग गया है, ऐसे डेफिनेट है। ए और एन का शाब्दिक अर्थ हो है एक कोई होता है, किंतु द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जो ए और एन होते हैं उनका कोई उनका शाब्दिक अर्थ होता है एक या कोई, किंतु जो द है उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। आर्टिकल नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने में मदद करता है। जो नाउन होते हैं उसे या तो डेफिनेट बनाएगा या फिर इनडेफिनेट बनाने में जो आर्टिकल है वो मदद करता है। लुक एट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस की तरफ देखिए। दिस इज द बॉय, दिस इज द एंट, दिस इज द कार, दिस दैट इज द ऑक्स, इट इज द पेन, इट इज द एग। अगर कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आता है कंसोनेंट, तो उसे द द पढ़ा जाता है, किंतु वोवल व्यंजन जो स्वर हैं, स्वर के शुरू होने से होने वाले शब्द के पहले जब द आता है तो उसे दी पढ़ा जाता है, जैसे एंट, ऑक्स, एग। तो इसमें जो वोवल से शुरू हुआ ए ओ ई, इसमें बॉय, कार, पेन, तो बी सी पी। तो यहाँ से जो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है इसलिए द का यूज होगा, और यहाँ पे ए ओ और ई से शुरू हुआ है तो दी ऐसे पढ़ा जाता है इसे। अगर द के आने की द के बाद आने वाले शब्द पर हम जोर देना चाहते हैं तो दा को उच्चारण दी होता है, जैसे जोर जोर देना चाहें तो, चाहे वह शब्द कंसोनेंट से शुरू क्यों ना हो। जैसे दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु ब्रेक माई विंडो। दी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल इवेंट ऑफ दिस, दी सोशल मूवमेंट, दी सोशल इवेंट ऑफ दिस ईयर। तो जिसके ऊपर जोर देकर अगर बात करना चाहो तो हम, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या फिर वॉवल से शुरू हो, तो हम दी एकदम प्रोनाउंस करेंगे उसे। पोजिशन ऑफ आर्टिकल्स पे आते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस। गिव मी ए बुक, दैट इज द बॉक्स, हेयर इज एन अम्ब्रेला, दीज आर द बॉयज। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है, ये समझने की बात है। अब इन सब सेंटेंस को देखो। दिस इज ए बुक, दिस इज ए गुड बुक, दैट इज द न्यू बॉक्स, हेयर इज एन ओल्ड मैन, द रेड वॉल इज माइन। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, जैसे गुड है इसमें, इसमें ओल्ड है, इसमें न्यू है और इसमें रेड है, तो आर्टिकल्स हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। एडजेक्टिव जो होगा, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स आएगा। अब इन सेंटेंस को देखो। आई हैव ए वेरी गुड टेबल, ही इज़ एन एक्सट्रीमली काइंड मैन, दैट इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल, सी वॉज ए वेरी टॉल गर्ल। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आता है। ए या एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होता है। अब इन सेंटेंसों को देखो। अगर एडवर्ब पहले आता है तो एडवर्ब से पहले भी
उसका जो आर्टिकल है वो आएगा। लुक एट, अब इन सेंटेंस की तरफ देखो, ऑल द बॉयज आर हेयर, आई वॉन्ट सच ए पेन, वो द फ्रेंड्स हैव गोन, सच ए बॉय विल नॉट पास, गिव मी डबल द अमाउंट, प्लीज कम इन हाफ एन आवर। साथ आल वो सच डबल हाफ के बाद आर्टिकल आता है, जैसे आल है, आल के बाद द आया है, ठीक है, सच है, उसके बाद ए आया है, सच ए पेन, ठीक है, इसमें वो है, वो द फ्रेंड हैव गोन, सच ए बॉय, इसमें सच के बाद आया है, गिव, गिव मी द डबल, डबल जो है यहाँ पे, प्लीज़ कम इन हाफ हाफ एन आवर, तो इसके बाद आर्टिकल आता है। अब इन सेंटेंस को देखो, हाउ फाइन ए डे, हाउ ब्यूटिफुल ए नाइट, ही इज़ सो फाइन ए मैन, इट इज़ टू गुड एन अटैम्प्ट। हाउ सो टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल्स का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद नाउन से पहले होता है, जैसे इसमें देखो, डे से पहले ए, नाइट से पहले ए, मैन से पहले ए और अटेम्प्ट से पहले एन। तो इसमें हाउ सो टू, हाउ सो और टू के बाद जब एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव कौन सा था, गुड ब्यूटीफुल फाइन फाइन, आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है उसमें एडजेक्टिव के बाद नाउन से पहले होता है। अब यूज ऑफ आर्टिकल्स क्या है वो देख लो। अब इन सेंटेंस की तरफ देखो, ए कैट ईट्स मीट, इट इज़ एन एलिफेंट, सी हैज़ ए हैट, ही वॉन्ट्स द इंक आई वॉट, वेयर आर द पेंस ही गेव मी, द टाइगर इज़ ब्यूटिफुल। आर्टिकल का प्रयोग जैसे कैट, हैट, एलिफेंट, नाउन है जो कैट, हैट, एलिफेंट, टाइगर, इंक, पेन से पहले किया जाता है। ई एन एन का प्रयोग सिंगल सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे कैट, हैट, एलिफेंट से पहले किया जाता है, वैसा नाउन जिसकी गिनती हो सके और जो एक वचन में हो उसे सिंगल सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं, मतलब जैसे गिनती हो सके, जैसे कैट है एक की गिनती हो सकती हैट है, एलिफेंट है, तो उसके पहले जिसकी गिनती हो उसे उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाता है। द का प्रयोग है वो काउंटेबल सिंगुलर जैसे टाइगर, काउंटेबल है काउंटेबल प्लूरल जैसे पेन, और अकाउंटेबल नाउन जैसे इंक से पहले होता है, वैसा नाउन जिसका ना गिनती हो सके और ना जिसका प्लूरल बन सके, अनअकाउंटेबल नाउन कहलाता है। वाटर, मिल्क, ऑयल, टी, जैसे वाटर की गिनती तो हो नहीं सकती, मिल्क की भी नहीं हो सकती, ऑयल, टी, वैसे ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब यूज़ ऑफ ए एन, ए एन एन, अब इन सेंटेंस को देखो, ए गर्ल्स, ए गर्ल लाइक ए टॉय, ए लायन लाइक ए कॉय, काओ, ए कैट हैज़ ए टेल, एन एप्पल ग्रोज ऑन ए ट्री, ए डॉग इज एन एनिमल, ए गर्ल इज बाइंग एन इंक पॉट। इसमें ए ए एन ए ए और एन है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे गर्ल है, टॉय है, कैट है, टेल है, डॉग है, एनिमल है, लायन है, काऊ है, एप्पल ट्री, इंक पॉट, सबसे के पहले अवश्य होता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कंसोनेंट जो बी सी डी एफ जी के आते हैं तो उससे पहले ए लगता है, जैसे कंसोनेंट आता है, जैसे जो व्यंजन आता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में तो उससे पहले ए लगता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यदि वोवल जैसे या फिर स्वर आ जाते हैं जैसे ई या यो यू से शुरू होता है तो उससे पहले एन लगता है। अब इस सेंटेंस को देखो, द है प्रोनाउंस विद ए साइलेंट एच, हॉर्स, ए हॉर्स एन आवर, ए हिल एन एयर, ए होटल एन एन एयरस, ए हेलीकॉप्टर एन ऑनर, ए हस्बैंड एन ऑनोरेरियम, ए ह्यूमन बींग एन ऑनेस्ट मैन। तो इसमें जो एच साइलेंट है उससे पहले एन का प्रयोग हो रहा है, ये देने वाले थे, जिसमें एच प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है तो उसमें ए से एक ही, जैसे ए ह्यूमरस राइटर्स,
ए हिस्टोरिकल इवेंट, ए हम्बल मैन, और इसमें साइलेंट है, एन एन ऑनोरेनियम, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन, एन आवरली रिपोर्ट, एन ऑनरेरी जॉब, इससे पहले एन का प्रयोग होता है। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस से शुरू हो और उस एच का उच्चारण हो तब ए पे लगता है, ये जैसे ही है। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस से शुरू हो और उस एच का उच्चारण नहीं हो तो उससे पहले एन लगता है। अब इन शब्दों को देखो, एन ए ईव, ए यू, ए यूनियन, ए यूनिफॉर्म, ए ईयर, ए एल, ए यार्ड, ए यूलोसी यूनिट, ए यूजफुल बुक, ए यूजलेस कार, ए यूरोपियन, ए वन रुपी नोट, ए वन आइड जेंट, ए वन लेग मैन, ए वन मैन कमेटी, ए यूएस रैली स्पोक्स, ए यूएन स्पोक्समैन, ए यूथ, ए यंग मैन, ए येलो पेन, ए यूनिक थिंग, ए यूनाइटेड टीम, ए यूजुअल फीचर, ए यूनिवर्सल अपील, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ए वन वे टिकट, ए यूके प्लान, ए यूसरशिप, या ई ए अथवा यू जैसा चार शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए लगता है। भले ए आई ओ यू, यू भले ही इसमें आता हो लेकिन इनका अगर ऐसे उच्चारण हो रहा है या ई ए उससे पहले ए लगेगा। व जैसा उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों से पहले भी ए लगता है। सेंटेंस को, मिस्टर सिन्हा इज एन एम पी, मिस्टर प्रसाद इज एन एस डी ओ, ही इज एन एम ए, देर इज एन एच ई स्कूल, यू आर एन एन सी सी ऑफिसर, हेयर इज एन एक्सरे प्लांट, दिस इज एन एल पी स्कूल, इट इज एन आर टी सी बस, ही इज एन एम एल ए, दे फिल्ड एन एफ आई आर, सी इज एन एम एस सी, ही इज एन एस आई, एम पी, एम ए, एन सी सी, एल पी, एम एल ए, एम एस सी, एस डी ओ, एच ई, एक्स रे, आर टी सी, एफ आई आर, ऐसा सब लिखते में कंसोनेंट लेटर से शुरू होते हैं किंतु उच्चारण में वॉल साउंड जैसे एम पी, एम ए, एन सी सी आदि से शुरू होते हैं, इसलिए इनके पहले एन लगता है। कॉमनेस्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द 26 लेटर्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब तो आप जो देख सकते हैं कि अंग्रेजी में कौन कौन से लेटर्स वोवल साउंड उच्चारित होते हैं, कौन कौन से कॉन्सोनेंट साउंड हैं, जैसे ए है, ऐसे देखते हैं। ए और एन के प्रयोग में किसी शब्द का रिटन फॉर्म नहीं वरन स्पोकन फॉर्म महत्वपूर्ण होता है। रिटन फॉर्म जरूरी नहीं है कि जो प्रयोग से पहले देखा जाए, जैसे एन आर ए एफ, आर, तो आर है ना इसमें, ए रॉयल एयरफोर्स ऑफिसर। वेदर ए और एन इज यूज बिफोर इनिशियल डिपेंड्स ऑन हाउ द इनिशियल इज प्रोनाउंस, ए ई एफ एच आई एल एम एन ओ आर एस एंड एक्स ऑल बिगिन विद ए वॉयल साउंड, हेंस एन एल ई स्कूल एंड एम ए एंड एम पी, बट ए बी बी सी प्रोडक्शन, ए बी ए, ए पी एच डी, ए डी सी, ये एफ टी बुड ने कहा है। करंट इंग्लिश यूज सम मोर यूजेस ऑफ ए एन एन। अब इन सेंटेंस को देखो, देर इज अ बॉय, ही इज अ टीचर, देर वॉज ए डॉग, ए वन या कोई एनी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है इसमें। ए काउ इज एन एनिमल, ए मैन गेव मी ए बुक, एन एलिफेंट किल्ड ए बॉय। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग बाकी के शुरू में किया जाता है तो उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन लगता है, जैसे बाकी शुरू से हो जाता है नाउन, काउ, मैन, एलिफेंट। ही इज अ टीचर, सी इज अ नर्स, मिस्टर सिन्हा इज अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। पेशा के नाम जो होता है, जो नेम ऑफ द प्रोफेशन है, तो उससे पहले भी ए एन 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 का प्रयोग होता है। ही केम विद ए बैग, शी रेन विदाउट एन अम्ब्रेला। अगर विद और विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है
तो उसके पहले ए एन लगता है, जैसे बैग है, अम्ब्रेला है। आई हैव ए 100 रुपीज़, 100, 1000, 1000, 1000, जैसे जो गिनती सूचक शब्द हैं उनसे पहले ये लगता है, जैसे आई हैव ए 100 रुपीज़, ही हैज़ ए 1000 पेंस, शी हैड ए 1000 बुक्स, ऐसे। अब प्रत्येक की, प्रत्येक या की दर से, के हिसाब से, ऐसे अर्थ आ रहे हो तो उनसे पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगता है ए और एन। ही अर्न्स रुपये 5500 ए मंथ। दे केम हेयर वंस ए वीक। वी वॉक 6 किलोमीटर एन आवर। राइस सेल्स 3 रुपीज़ ए किलो। एक्सक्लेमेशन में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट ए डॉग, व्हाट ए फूलिश बॉय, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ऐसे। व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर जो नाउन होगी उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लगता है, जैसे ही इज ए दारा सिंह, दारा सिंह जैसे मजबूत, ही इज ए दारा सिंह, सी इज ए लता, ही इज ए हिटलर, यू आर शेक्सपियर, ऐसे। एज ए रूल, इन ए हरी, ऑन एन एवरेज, टू मेक ए नॉइज, टू बी इन ए टेम्पर, इट इज द सेम, टू गिव ए वार्मिंग, टू टेक एन इंटरेस्ट एंड टू पे समबडी ए विजिट, टू मेक ए रॉन्ग यूज ऑफ, टू हैव ए बाथ, ए ड्रिंक, ए टॉक, ए रेस्ट, ए वॉक, टू हैव नॉलेज, टू हैव एन, टू गिव एन आंसर, टू हैव ए गुड एजुकेशन, टू मेक ए गुड गैस एट, टू हैव ए पेन, ए कोल्ड, ए हेडेक, कफ, ये सब ए एंड लगे। नो ए और एन, लुक एट दिस सेंटेंस। काउस गिव मिल्क, डॉग्स आर एनिमल, डॉग्स आर एनिमल। बॉस लाइक स्टोरी बुक्स, प्लूरल नाउन जैसे काउस, वर्ड्स, डॉग्स, एनिमल्स, बॉयज, स्टोरी बुक्स, प्लूरल नाउन है जो उससे पहले ए एन कभी नहीं लगता है, जैसे काउस हैं प्लूरल नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन हो तो कोई बात नहीं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंस को देखो। दिस इज हरी, दिल्ली इज ए सिटी, वी लिव इन इंडिया, टुडे इज मंडे, पटना इज इन बिहार, सी केम इन मार्च। किसी व्यक्ति, देश, राज्य, शहर, दिन, महीना के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले कभी ए एन, ए और ही, और जैसे इसमें पटना इज इन बिहार, तो ये सब प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, तो इससे पहले ए और एन नहीं लगाया जाता। किंतु ए का प्रयोग मिस्टर, मिसेस, मिस, सरनेम के पहले विशेष अर्थ में किया जा सकता है, जैसे ए मिस्टर सिन्हा, ए मिस्टर मिसेस सिन्हा, ए मिस बॉस, ए मिस्टर सिन्हा का अर्थ हुआ मिस्टर सिन्हा, नाम का व्यक्ति जो वक्ता के लिए अनजान है। अगर मिस्टर सिन्हा बिना ए का रहेगा तो इसका अर्थ है वक्ता मिस्टर सिन्हा को जानता है, जो कह रहा है वो मिस्टर सिन्हा को जानता है, अगर अनजान है तो उससे पहले ए लगाया जाएगा। उसी तरह दिस लेटर इज रिटन बाई रमेश, रमेश नाम का कोई अनजान व्यक्ति है उसके द्वारा लिखा गया है, ई अगर पहले लग गया तो इसका मतलब ये होगा ए रमेश। लुक एट दिस सेंटेंस, अब सेंटेंस देखो। मिल्क इज गुड फॉर अस, गोल्ड इज येल्लो, मनी इज हनी, वी लाइक टी विदाउट शुगर। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क, मनी, हनी, गोल्ड, टी, कॉफ़ी, शुगर, ये सब हैं अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इससे पहले ए एन कभी नहीं लगता। किंतु अनकाउंटेबल नाउन को सिंगल आइटम बनाने के लिए हम ए ऑफ, ए ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन, जैसे ए कप ऑफ कॉफ़ी, ए बोतल ऑफ ड्रिंक, इंक, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए बैग ऑफ राइस, जैसे ए ऑफ अगर पहले जोड़ दिया है और अनकाउंटेबल जोड़ दिया है तो वो, तो वहाँ पे ए लगाया जा सकता है। नॉलेज शब्द अनकाउंटेबल है, किंतु जब इसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है तब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज ऑलवेज यूजफुल, वैसे अनकाउंटेबल है लेकिन किसी विशेष अर्थ में कर दिया तो उसके पहले आर्टिकल लग जाता है, जैसे ही इज ए गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। लुक एट दिस सेंटेंस, दिस इज गुड न्यूज, दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन, आई हैव न्यू फर्नीचर, यू शुड टेक लीगल एडवाइस। तो न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, बैगेज, डस्ट तथा लगेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं।
इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु उनसे संख्या मात्रा का बोध कराने के लिए उनसे पहले सम एनी ए लिटिल ए पीस ऑफ आदि का प्रयोग किया जाता है। अब देख लो अनकाउंटेबल काउंटेबल आर्मर ए पीस सूट ऑफ आर्मर ब्रेड ए पीस ऑफ लोफ ए पीस ऑफ ब्रेड ए लोफ ऑफ ब्रेड केक ए पीस ऑफ केक ए स्लाइस ऑफ केक चौक ए पीस ऑफ चौक स्टिक ऑफ चौक फर्नीचर। अनकाउंटेबल को काउंटेबल कैसे बनाया जा रहा है ये सब दिखाया गया है इसमें। ए पीस ऑफ फर्नीचर एन ए एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर ग्रास ए बिट ऑफ ग्रास ए ब्लेड ऑफ ग्रास आइस ए पीस ऑफ आइस ए ब्लॉक ऑफ आइस लैंड ए पीस ऑफ लैंड ए स्ट्रिप ऑफ लैंड मीट ए पीस ऑफ मीट ए रोस्ट ऑफ मीट पेपर ए पीस ऑफ पेपर ए सीट ऑफ पेपर राइस ए बिट ऑफ राइस ए ग्रेन ऑफ राइस रविश ए पाइल ऑफ रविश ए हीप ऑफ रविश सुगर ए पीस ऑफ सुगर ए लंप ए बर्ड ऑफ सुगर अव्यूज ए वर्ड ऑफ अव्यूज एडवाइस ए वर्ड ऑफ एडवाइस। ये सब अनकाउंटेबल को काउंटेबल के एज ए काउंटेबल कैसे यूज करते हैं। बिजनेस कॉमर्स एन आइटम ऑफ बिजनेस ए बिट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ए बिट ऑफ इंटरेस्ट एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट न्यूज ए पीस ऑफ न्यूज एन आइटम ऑफ न्यूज वर्क ए पीस ऑफ वर्क ए बिट ऑफ वर्क एविडेंस ए पीस ऑफ एविडेंस फीवर एन अटैक ऑफ फीवर पैशन ए फिट ऑफ पैशन रिसर्च ए पीस ऑफ रिसर्च। ये सब हमने देखा। अब हम ए पीस ऑफ चॉक कोल एडवाइस ए बिट ऑफ ग्लास ट्रबल एंड आइटम को इंफॉर्मेशन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज़ कहते हैं। इसी तरह से लेंथ को ए फुट ऑफ वाटर ए यार्ड ऑफ क्लोथ ए मील ऑफ केबल एरिया को एन एकर ऑफ लैंड एन एकर ऑफ वॉल्यूम ए पिंट ऑफ बियर ए गैलन ऑफ पेट्रोल बिट को एन औंस ऑफ तंबाकू ए पाउंड ऑफ बटर एक टन ऑफ कोल ऐसे करके हम ए और एन का जो प्रयोग करते हैं वो सब दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं वी राइट ऑन पेपर विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास आई हैव ए यार्ड ऑफ क्लोथ्स एंड इज अ मैटर। अब इसमें देखते हैं पेपर वाइन ग्लास क्लोथ आयरन अनकाउंटेबल नाउंस है। इनके पहले ए एन नहीं लगता, किंतु जब पेपर जो अखबार है या ग्लास है क्लोथ है किसी खास काम के लिए कपड़े का टुकड़ा स्त्री से एक खास चीज़ का बोध होता है तो उससे पहले एन लगता है। जैसे हैव ए ग्लास ऑफ वाइन इट्स ए गुड पेपर आई यूज एन इलेक्ट्रिक आयरन ही हैज़ ए डिश क्लॉथ लुक एट अबिंसेंट देखो ही वाज पेल विद फियर वी लिव इन होप ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप डेथ कम्स टू ऑल। फियर ब्यूटी होप डेथ हैप्पीनेस को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। उनके पहले ए एन नहीं लगता, किंतु जो विशेष अर्थ हैं उनमें इनमें से कुछ के पहले ए और एन लगता है। जैसे इजेंट सी ए ब्यूटी ब्यूटीफुल गर्ल वूमेन के लिए सम चिल्ड्रन सफर फ्रॉम ए फियर ऑफ डार्क ए फियर ऑफ ए फियर इसमें ए लगा है इसमें ए ब्यूटी ऐसे यूज़ ऑफ द अब द ए और एन का जो यूज़ देख लिया अब द का यूज़ कैसे होते हैं वो देखते हैं। मॉन वॉट ए पेन द पेन इज जापानीज सी हैज़ ए बैग द बैग इज़ न्यू आई हैव एन अम्ब्रेला द अम्ब्रेला इज वेरी गुड। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले ए एन लगता है। अगर वही नाउन दूसरी या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द लगता है। ये सब समझाने की कोशिश की गई। मैन केम अप टू ए पुलिसमैन एंड आस्क हिम ए क्वेश्चन द पुलिसमैन डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सो ही आस्क द मैन टू रिपीट इट। अब इन सेंटेंस को देखो द टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल ए टाइगर इज ए डेंजरस एनिमल द काउ इज ए यूजफुल एनिमल ए काउ इज ए यूजफुल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जिससे पूरी जाति स्पीसीज का बोध हो ई या द का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग करें या द का
इसमें वाक में अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे यह है द टाइगर ए टाइगर, द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, ए टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, ए काउ इज़ एन। अब इन सेंटेंस को देखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दार लगता है, जैसे राजीव इज़ द टालेस्ट बॉय, सुपरलेटिव डिग्री लग गई तो वहाँ पे दा लग जाएगा। जैसे मिस्टर झा इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। अब इन सेंटेंस को देखो, जब कोई जब द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह हो तो द पुअर को द पुअर मैन, तब उसके पहले द लगता है। जैसे द ओल्ड, द यंग, द ब्लाइंड, द एजुकेटेड, द नीडी, द विक्ट, द डेड, ऐसे। लुक द रिच शुड हेल्प द पुअर, देर इज ए स्कूल फॉर द डीफ इन द सिटी। अब इन सेंटेंस को देखो, द बॉयज ऑफ द पहले लग गया है, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर गुड, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया, द पीपल दी पीपल ऑफ बिहार आर इन ट्रबल, द वाटर ऑफ दिस क्लास इज फ्रेश। जब किसी वाक्य की बनावट नाउन ऑफ नाउन हो, तो जैसे नाउन ऑफ नाउन हो तो नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज फ्रेश, द पीपल ऑफ बिहार आर इन ट्रबल, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया, ऐसे करके। अब सेंटेंस को देखो, हु इन्वेंटेड द रेडियो, किसने रेडियो, अरे हु इन्वेंटेड द रेडियो, द रेडियो, आई हेट द टेलीफोन, द टेलीफोन इज अ गिफ्ट ऑफ साइंस, ही रिसीव्ड ए मैसेज ऑन द वायरलेस। किसी आविष्कार इन्वेंशन के पहले द का प्रयोग लगता है, जो आविष्कार हुआ, जैसे टेलीविजन, जैसे ही रिसीव्ड ए मैसेज ऑफ ऑन ए वायरलेस। आर्टिकल्स का यूज, आर्टिकल्स आर यूज इन एक्सप्रेशन लिसन टू द रेडियो ऑन द रेडियो बट नॉट इन वॉच टेलीविजन ऑन टेलीविजन और ऑन टीवी। द रेडियो ऑन द रेडियो, वॉच इन वॉच टेलीविजन और ऑन टीवी, माइकल स्वान ने कहा है। अब इन सेंटेंस को देखो, ही वॉज ए वॉन्डेड इन द लैग, शी कॉट हिम बाई द आर्म, दे हिट हिम ऑन द हेड, द ब्रिक हिट हिम इन द फेस। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो शरीर के पार्ट हैं उनसे पहले भी द लगता है। अब इन सेंटेंस को देखो, ही प्लेज द तबला, मोती विल प्ले द वायलिन, हरी प्लेड द हारमोनियम, कैन यू प्ले द ट्रम्पट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द लगता है। अब देखते हैं, दिस इज द हाउस आई लिव इन, दिस इज द हाउस, द बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर, द बॉय, द टाल मैन इज द मिनिस्टर फॉर द टाल मैन इज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ। जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज द्वारा सीमित कर दी जाती है तो नाउन के पहले द लगता है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस, ही इज द क्लेवरर ऑफ टू, कंपेरेटिव जो डिग्री होती है या कंट्रास्ट विरोध दरखाना हो तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू, दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। अब इन सेंटेंस देखो, द मोर ही गेट्स द मोर ही वॉन्ट्स, द सूनर दैट वर्क इज डन द बेटर, द हार्डर यू गेट द मोर यू विल बी पेड, द मोर द मेरियर।